असदूरिना वालना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा मिनकुम दरजात फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले तो मैं मदरसा रियाज़िया क़ादरिया के जुमला मुदर्रिसीन को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक दो नहीं कौम की गोद में ये 3 दर्जन से ज़ायद बच्चे दिए हैं, 3 दर्जन से ज़ायद सुतून दिया है आपने। ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ के लोगों के ईमान की भी हिफाजत करेंगे, उनके अकीदे की भी हिफाजत करेंगे। और अराकीन कमेटी भी मुबारकबाद के काबिल हैं और जो इस मदरसे के ताउन करने वाले हैं, मुआविनत करने वाले हैं, वो लोग भी काबिल मुबारकबाद हैं। समाज भी यहाँ की मुबारकबाद के काबिल है कि उन लोगों के प्यार, उन लोगों की मोहब्बत, उन लोगों की शफ़क़त और उन लोगों के ताउन से आज ये जो फ़ौज नज़र आ रही है, हमारी मिल्लत की, हमारी सुन्नियत की फ़ौज, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की फ़ौज जो निकली है, ये इन सब की मेहनतों, मशक्क़त और काविश का नतीजा है और काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग। मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, बस थोड़ी देर हमारी गुफ्तगू होगी, आप घबराएंगे नहीं? घबराइएगा? बोलो, हाथ उठा के बताओ, घबरा जाओगे नहीं ना? ए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। बस थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, दिल खोल देना, दिल के बंद दरवाजे को खोल देना, अपने दिमाग के बंद दरवाजे को खोल देना, जो सही बात लगे उसे महफूज कर लेना। लेकिन आओ, इससे पहले कि कुछ बयान किया जाए, अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान जिनकी करीमाना है, बात जिनकी रहीमाना है, इन्ना आतईना कल कौसर के वो ख़जाना है, वजह वजूद आदम कायनात में सबसे अफजल नबियों के नबी और रसूलों के रसूल की बारगाह बिकस पनाह में बाअदब होकर हाथ बांध लो, बाअदब हो जाओ। ये तसव्वुर कर लो कि इबादत करने जा रहे हैं, इसलिए कि दुरूद का वजीफ़ा हमारे लिए इबादत है। ये उनका अक़ीदा है, लेकिन हमारा अक़ीदा तो कुछ और है। वो कुछ और कहते हैं, हम तो यही कहते हैं कि कौन कहता है कि मुस्तफ़ा मदीने में रहते हैं, कौन कहता है कि मुस्तफ़ा मदीने में रहते हैं, वो हम सुन्नियों के, बोलो बोलो बुलंद आवाज़ से, वो हम सुन्नियों के सीने में रहते हैं। तो यही ईमान और यही अक़ीदा हमारे इमाम इमामी अहमद रज़ा इमामी इश्क व मोहब्बत ने हमें अता किया है। इसलिए इस अक़ीदे के साथ दुरूद पढ़ो कि तुम्हारी निगाहें तो नहीं देख रही हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत हम सबको देख रहे हैं। बाअदब हो जाओ, जो पैर का एंटीना एंटीना बना के खड़ा किए हुए है बेअदबी से, वो पैर का एंटीना नीचे गिरा दे और फिर बाअदब होकर के दुरूद पाक अपने लबो लहजे में पढ़ो और बुलंद आवाज से पढ़ो, अल्लाहुम्मा। मोहम्मद वाला अली सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला अलैहि वसहबिही बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैके या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। डॉक्टर से ना पूछा जाए, माहिशर के मैदान में डॉक्टर से ना पूछा जाएगा, इंजीनियरों, प्रोफेसरों, लेक्चरर से ना पूछा जाएगा, इन मेहमाने रसूल से पूछा जाएगा, इन वारिसे नबी से पूछा जाएगा कि मेरे महबूब के वारिस बता आज तेरी मर्जी क्या है। जो तेरी मर्जी होगी वही आज मेरी मर्जी होगी। जिसमें तू राजी हो जाएगा उसमें मेरा महबूब राजी होगा, और महबूब जब राजी होगा तो प्यारे बंदे उसमें मैं राजी हो जाऊंगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, और मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। ये वो बच्चे हैं जो मखमल पे बैठ करके इन्होंने याद नहीं किया, ये वो बच्चे हैं जो कालीन पर बैठ करके नहीं, बल्कि ये ही वो बच्चे हैं जो कभी टूटी हुई चटाई पर बैठ करके, कभी नंगी फर्श पर बैठ करके, कभी कुरान याद किया है, कभी हदीस मुस्तफ़ा को याद किया है, कभी परेशानियों में, कभी गर्मी में, कभी बरसात में, कभी ठुठुरती हुई ठंड में, ये ठुठुरती हुई ठंड में बैठ करके रात की तारीकी में कुरान याद करते हैं, हदीसे मुस्तफ़ा याद किया है। मैंने पूछा मुफ्ती साहब क़िबला से कि हुजूर अगर हमारे घर में कोई बच्चा रहे और थोड़ी सी ठंड भरी हवा लग जाए तो वो बीमार पड़ जाता है, वो बीमार पड़ जाता है, वो बिस्तर पकड़ लेता है, लेकिन ये वो बच्चे जो सर्द हवाओं में भी बैठ करके कुरान याद करते हैं, अपना सबक याद करते हैं, कुरान मुकद्दसा की तफसीर पढ़ते हैं, हुजूर ये बीमार क्यों नहीं पड़ते? तो जवाब दिया मुफ्ती साहब ने कि हुजूर बात ये है कि घर में बच्चे की देख रेख के लिए, बच्चे की हिफाजत के लिए उसकी माँ होती है, उसका बाप होता है, लेकिन मदरसे के बच्चे की हिफाजत के लिए रसूल पाक होते हैं। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्ने दस्तारे फजीलत। तो जिसकी देख रेख के लिए, जिसकी हिफाजत के लिए मुस्तफा की जात हो। जी, क्योंकि ये मेहमाने रसूल है ना, तो मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज देखिए ये गुलजार बने हुए हैं। आज देखिए, खुदा की कसम, आज जिसने मदरसा कायम किया था, जिसने मदरसे को प्रॉपर्टी दी थी, जिसने बनाया था, आज उसकी रूह, उनकी रूह आज कब्र में झूम रही होगी। कि एक दो नहीं, आज 38 फारिगीन यहाँ से निकल रहे हैं, और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज हमारी कौम का मिजाज हो गया कि अगर मदरसे के बच्चे निकलते हैं, मदरसे के बच्चे बाहर जाते हैं, तो ये कहा जाता है ये चहारम खाने वाले हैं, ये 40वां खाने वाले हैं, तुमने पढ़ा क्या है? मैं कौम से पूछता हूँ, ए मेरी कौम के जियालो, बताओ दुनिया में सबसे अजीम किताब कौन है, सबसे अजीम इल्म कौन सा इल्म है? जवाब मिलेगा, सबसे अजीम किताब का नाम कुरान है, सबसे अजीम इल्म का नाम इल्म दीन है। यही इल्म दीन तो है। लाखों साल से फरिश्ते इबादत करते रहे, हजारों साल से फरिश्ते इबादत करते रहे, और जो फौकियत का मामला आया ना, ये अच्छा कि हम अच्छे, ये बलंद के हम बलंद। रब ने इरशाद फरमाया, अच्छा इधर आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया, कहा अच्छा अगर देखना है तो वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा। इबादत की बुनियाद पे फौकियत नहीं। आदम को, आदम की औलाद को अगर फौकियत मिली है तो इल्म की बुनियाद पे मिली है। जिसके पास इल्म है, रब कह रहा है वल्लज़ीना ऊतुल इल्म मिनकुम दर्जात, जो तुम में बेहतर इल्म वाला है वो सबसे अफजल है, जी सबसे बेहतर है। और जानते हो इन बच्चों को देखने वाले जब देखते हैं ना, मदरसा से चलते हैं तो कहा जाता है ये यतीम है। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अल इल्मु हयातुल इस्लाम, अल इल्मु हयातुल इस्लाम। इल्म क्या है? कौन सा इल्म? ये इल्म, इल्म दीन क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इस्लाम की जिंदगी है। तो इस्लाम नहीं, मुफस्सिर किराम ने कहा मुसलमानों की जिंदगी। बेशक बाद में तो नारा लगाओगे कि या रसूल अल्लाह मैं अपनी जान दे दूँ। आज मैं पूछता हूं कि आप में से कौन ऐसा बंदा है कि जो चार में से एक बनना चाहे, और अगर एक चार में से कोई एक भी बन गया तो यूं समझो कि वो मुस्तफ़ा के मर्जी के मुताबिक बना है, आका की मर्जी के मुताबिक। आका ने जो चार ओहदा चुना है, जो चार मंजिलें चुनी हैं, उन चार मंजिल में से एक मंजिल भी अगर कोई पा गया तो गोया मुस्तफ़ा के मर्जी के मुताबिक उसने किया है, सरकार की बारगाह में महबूब बन जाएगा। सुनो, अब तुम बनो या न बनो, मेरा काम फर्ज है बना बता देना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया चार चीज़ में से एक चीज़ बनो, अगर बन सकते हो तो एक चीज़ बनो, पांचवा हरगिज़ मत बनना। साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सी चीज़ है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कुन आलिमन, कुन आलिमन, आलिम बन जा, आलिम हो जा। लेकिन मेरे आका जानते थे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो मदरसा में आएंगे नहीं, बड़ी मुशक्क़त होती है ना मदरसा में यार, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, समाज की नज़र से भी बचना है, असातिज़ा की नज़र से भी बचना है, और फिर दीन का इल्म हासिल करना है। इतनी आसानी से कोई नहीं बनता यार, बहुत मेहनत व मुशक्क़त करने के बाद कोई आलिम बनता है। तो सरकार जानते थे कि इतनी मेहनत सब नहीं कर पाएंगे, तो मेरे आका ने दूसरा ऑप्शन रखा कि अगर आलिम नहीं बन सकते तो औ मुतअल्लिमन, अगर आलिम नहीं बन सकते तुम ना तो मुतालिम बन जाओ। लेकिन फिर सरकार जानते थे हो सकता है मेरी उम्मती में से कोई ऐसा होगा जो मुतालिम भी नहीं बनेगा, इसलिए कि मुतालिम बनने के लिए मदरसा में दाखिला लेना पड़ेगा, टूटी फूटी चटाई पर बैठना पड़ेगा, सूखा रूखा खाना पड़ेगा, अपने मिजाज के मुताबिक खाना नहीं मिलेगा उसे, जो मिलेगा वो मदरसे के मुताबिक मिलेगा और उसे खाना पड़ेगा, खा करके दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो हो सकता है कोई ऐसा ना करे, तो सरकार ने तीसरा ऑप्शन रखा कि सुनो अगर आलिम नहीं बन सकते हो मुतालिम बनो, और अगर मुतालिम भी नहीं बन सकते हो तो सुनो औ मुस्तमिअन, उसको सुनने वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह, जब सुनने वाले बन जाओगे तो सरकार के महबूब बन जाओगे, सरकार की बारगाह में मकबूल बन जाओगे। देखो मेरे अजीज, आज आपको इतनी फैसिलिटी है, ये उलमा, ये दीन का किला आपके सामने है, रसूलुल्लाह का घर आपके सामने है, ये मुफ्तियाने किराम, हुफ़ाज़े किराम, आलिमे दीन आपके सामने है, आपके करीब रहते हैं, आपके माहौल में रहते हैं, लेकिन कभी आपको शौक नहीं हुआ कि कभी इनकी बारगाह में आए और इनसे कुछ हदीस समाअत कर लें, कुरान की कुछ तफसीर याद कर लें, कुरान की आयतें याद कर लें। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, मदीने में एक आशिक रहा करता था, मदीने में एक आशिक रहा करता था जो बड़ा गरीब था, मजदूरी किया करता था। उसे मालूम हुआ कि मुल्क शाम में एक सहाबी रसूल है जो हदीस बयान करते हैं, हर जुमा को एक हदीस, सिर्फ एक हदीस हर जुमा को बयान करते हैं। तो वो आशिक रसूल जो है वो तड़पा, बेचैन हुआ, बेकरार हुआ। रात भर वो जागता रहा बेचैनी और बेकरारी में। बीवी ने पूछा कि क्या बात है, आज क्यों तड़प रहे हो, आज क्यों बेचैन और बेकरार हो? कहा नहीं, तुम्हें मालूम है, मुझे पता चला है कि मुल्क शाम में एक सहाबी रसूल है जो जामा मस्जिद में जुमा के दिन एक हदीस बयान करते हैं और सरकार की ये हदीस हमारे सामने है, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन। अरे मैं आलिम तो ना बन सका, तालिब इल्म ना बन सका, कम से कम मुस्तमिअन में शामिल हो जाऊं, सुनने वाला बन जाऊं। बीवी ने कहा कि आप चाहते हैं जाना? कहा हाँ। कहा ठीक है, मेरी तरफ से इजाज़त है, माँ बाप से इजाज़त ले लीजिए। माँ बाप से इजाज़त लिया है, बच्चों को कलेजे से लगाया है और बीवी से कहा, शरीक हम सफ़र से कहा, सुनो लंबा सफ़र है, कोई हाथ में हमारे ज़्यादा राह नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, मैं यहाँ से पा प्यादा चलूँगा, हो सकता है रास्ते में मौत आ जाए, तो घबराना मत, ऐसी वैसी मौत नहीं, बल्कि तेरा शौहर अगर रास्ते में मर गया तो मकामे शहादत पे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नाराए रिसालत। तो वो इजाजत लेकर के चला, काफिला मिला, काफिला के साथ चलता रहा, चलता रहा। 7 रोज के बाद जुमा के दिन वो मुल्क शाम की जामा मस्जिद में पहुंचा, लेकिन उस वक्त पहुंचा जल्दी से। उसने जब देखा कि जुमा का वक्त शुरू होने वाला है, करीब है वक्त, तो जल्दी जल्दी उसने वजू किया, अपने आप को पाकीज़ा किया। वजू करने के बाद जैसे ही मस्जिद में गया तो देखा कि अब वो उनका खिताब ख़त्म हो गया था, सहाबी रसूल की तकरीर ख़त्म हो चुकी थी और खुतबा की तैयारी थी। अब ये रोने लगा, सतून के बगल में सर टेक करके रोने लगा, गिरिया वजारी करने लगा कि पता नहीं अब फिर 1 हफ्ता हमें यहाँ रहना पड़ेगा, मैं कैसे रहूँगा, न पैसा है, न खाने पीने को कुछ है, न इंतज़ाम है, मैं कैसे रहूँगा। लेकिन जब वो सहाबी रसूल मिंबर रसूल पे चढ़े तो उनकी निगाह इस आशिक पे पड़ी और सब कुछ छोड़ करके जब इसको रोते हुए देखा तो नबी के सहाबी थे, नबी के साथी है, तड़प करके वहां से नीचे आए और इसको पकड़ा, पकड़ के कलेजे से लगाया, बोसा लिया। कहा ए आशिक रसूल, अल्लाह के नेक बंदे, तुझे बताने की जरूरत नहीं है तू कहां से आ रहा है, इसलिए कि तेरे अंदर से मदीने की खुशबू आ रही है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, तेरे अंदर से मदीने की खुशबू आ रही है, अब तुझे कहने की बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी सी बात बता दे कि तू आया उतनी पाकीज़ा जगह को छोड़ के। कहा मैं उतनी पाकीज़ा जगह को छोड़ करके सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे मालूम हुआ है कि आप यहाँ, आप सहाबी रसूल हैं और आप हर जुमा को एक हदीस बयान करते हैं, तो वो हदीस की समाअत के लिए, वो हदीस को सुनने के लिए मैंने इतना लंबा सफ़र तय किया है। मेरे अजीज़, तुम्हें तो लंबा सफ़र भी तय करना न पड़ेगा, तुम्हें तो दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे बगल में ये किला है, दीन का किला है, याद रखना। अभी मेरे अजीज़ मुफ्ती साहब क़िबला ने बताया था, लेकिन हकीकत यही है कि ये दीन का किला है और जब तक ये आबाद रहता है तब तक तुम आबाद रहोगे। ये दीन का किला है, सिर्फ इसे एक बिल्डिंग मत समझो, बल्कि ये जितना मजबूत होगा तुम्हारा अकीदा उतना मजबूत होगा, जितना मजबूत ये किला होगा उतने ही मजबूत तुम्हारा ईमान भी होगा, तुम्हारा अकीदा भी होगा। इसलिए कि जब जब तुम्हारे अकीदे पे और तुम्हारे ईमान पे कोई डाका डालने की कोशिश करेगा तो इस किले के मुहाफिजीन आगे बढ़ेंगे और तुम्हारे अकीदे को बचा लेंगे, तुम्हारे ईमान को बचा लेंगे। तो ज़रूरत इस बात की की है कि इस किले को मजबूत किया जाए, इस किले को मजबूत किया जाए। ये मजबूत रहेगा तो तुम्हारा अकीदा मजबूत रहेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहाँ फिरा, आई कमी वक़ार में। मेरे असीस, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, सरकार ने इरशाद फरमाया और मुस्तमिया, सुनने वाले बन जाओ। लेकिन सरकार ने तीसरा ऑप्शन को छोड़कर कि चौथा भी ऑप्शन दे दिया है। कहा ये चौथा ऑप्शन दे रहा हूँ, चौथा ज़रूर कर लेना, पाँचवा हरगिज़ मत करना। अगर पांचवा कियो तो हलाक कर दिए जाओगे। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो चौथा क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो वो चौथा ये है, औ मुहिब्बन कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन आओ मुहिब्बन। अगर तीन ऑप्शन पे अमल ना कर सकते हो तो चौथा ऑप्शन जरूर अपना लेना, पांचवा हरगिज मत करना। चौथा ये है कि अगर तुम तालिबे इल्म नहीं बन सकते, समाअत नहीं कर सकते, अगर तुम आलिम नहीं बन सकते हो तो सुनो, आलिम से प्यार करने वाला जरूर बन जाना, आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाना, आलिम की ताज़ीम व तौक़ीर करने वाला बन जाना। जब इन उलमा से तुम मोहब्बत करोगे तो गोया तुमने मुझसे प्यार कर लिया है, मुझसे मोहब्बत कर लिया है। इनसे मुसाफा, मुस्तफ़ा जाने रहमत से मुसाफा है। ये दीन के किले के मुहाफ़िज़ व निगहबान है, ये ईमान व अक़ीदे के तुम्हारे मुहाफ़िज़ व निगहबान है। मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, पाँचवा मत बनना। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया क्या, पांचवा हरगिज मत बनना। और आज हजरत चार तो बनते ही नहीं, पांचवा बनने के लिए कोशिश करते हैं। पांचवें बहुत शौक से बनते हैं लोग। पांचवा जानते हो क्या है जो आज हमारी समाज करती है? पांचवा यह है कि इन उलमा से हसद मत करना, इन उलमा से बुग़्ज़ मत रखना, इनकी तौहीन मत करना, इनके खिलाफ मत बोलना। आज हमारी कौम नमाज पढ़ी फजर की, चाय दुकान पे पहुंची, अरे इमाम साहब बड़ी लंबी क़िरात कर देते, इमाम ही की बगावत शुरू। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो पांचवा हरगिज मत बनना, उलमा की शिकायत, उलमा की ग़ीबत और उलमा से हसद मत करना, उलमा से कीना दिल में अपने मत रखना। अगर तुमने उलमाए मिल्लत इस्लामिया से, नबी के वारिसीन से अगर तूने हसद किया, आका का फैसला ये है कि खुदा तुम्हें हलाक कर। अब जरा गौर करना, अपने दामन में छांक लेना। जब बोलना चाहोगे तो इस हदीस को सामने रख लेना कि अगर मैंने ऐसा किया तो अल्लाह मुझे हलाक कर देगा। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आओ मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ कि इन उलमा की ताज़ीम, इन हुफ़ाज़ की ताज़ीम, इन तालिब इल्म की खिदमत करने से क्या मिला करता है। महमूद गज़नवी, वो महमूद गज़नवी जो इस हिंदुस्तान का बादशाह रहा और ऐसा बादशाह रहा है कि जो तहज्जुद गुज़ार भी था, जो तहज्जुद पाबंदी से पढ़ा करता था और पांचों वक्त की नमाज जमात से मस्जिद में अदा किया करता था। लेकिन रात की तारीकी में वो निकलता था और अपने तमाम रफ़ाक़ा के साथ रात की तारीकी में पूरे गांव का सैर किया करता था, पूरे इलाके का गली गली घूमता था, दरवाजे पे कान लगा के सैयदना फ़ारूक आज़म की सुन्नत पे अमल करता था। कौन भूखा सोया है, किसके घर में रोने पीटने की आवाज़ है, किसके घर में बीमार है, उसे वो सुनते थे, महसूस करते थे। और जब मालूम हो जाता था तो हज़रत महमूद गज़नवी पहुँच करके उसकी सुबह में मदद कर दिया करते थे या बुला करके उसकी मदद कर दिया करते थे। महमूद गज़नवी एक रोज़ चले रात की तारीकी में और जब चौक पे पहुंचते हैं तो देखते हैं सामने एक मस्जिद है और उस मस्जिद के सामने एक बनिए की दुकान है और वो बनिए की दुकान जो है उसके झरोके से रोशनी आ रही है। जब थोड़ी सी रोशनी उसके झरोके से आ रही है तो महमूद गजनवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान ने यह देखा कि एक मासूम सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, जो हाथों में एक किताब लिए हुए है और उस झरोके के पास जाता है। उसकी रोशनी में बनिया के दुकान से जो रोशनी निकलती है उस रोशनी में उस किताब को खोलता है, कुछ याद करता है, फिर आकर के मस्जिद के जीने पे, मस्जिद के जीने सीढ़ी पे आके बैठ जाता है और झूम झूम करके याद करता है। रात आधी बीत चुकी है। बादशाह वक्त ने हारून रशीद महमूद गजनवी अलैहि रहमा ने जब ये मंजर देखा तो महमूद गजनवी आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ने के बाद उस बच्चे के सर पे हाथ रखा है, इरशाद फरमाया है, ए शहजादे तू क्या कर रहा है? सारी दुनिया सो रही है, ख्वाबे गफलत में है, सारी दुनिया सो रही है, तू जाग रहा है, आखिर तू कर क्या रहा है यहाँ पे? जा, तू भी तो सो जा, सारी दुनिया सो रही है। उसने पलट करके जवाब दिया, खड़ा हुआ अदब से, पलट करके जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं सोने के लिए नहीं बना, मैं आराम करने के लिए नहीं बना हूँ, मैं सोने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। कहा फिर किस लिए आया है? कहा मेरी माँ बाप ने बड़ी तमन्नाओं के साथ, बड़ी आरजुओं के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ मेरी माँ और मेरे बाप ने मुझे इस मदरसे में दाखिल किया है, इसलिए कि मैं हाफिज कुरान बन जाऊँ, आलिम दीन बन जाऊँ, मुझे हाफिज़ बनना है, मुझे आलिम बनना है। मेरी वो माँ, मेरे वो बाप जो बचपन से लेकर के मेरी हर ज़रूरत को जिसने पूरी किया, जिसने हर ख्वाहिश को पूरी किया, जिसने हर तमन्ना को पूरी किया, उसकी बस एक ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश ये है कि मैं हाफिज़ कुरान बन जाऊँ और आलिम दीन बन जाऊँ, इल्म कुरान मुझे आ जाए। महमूद गजनवी ने इरशाद फरमाया कि तो फिर मस्जिद में पढ़ो, मदरसे में जाकर के पढ़ते क्यों नहीं हो? उसने कहा कि हुजूर न मदरसे में रोशनी का इंतज़ाम है और न मस्जिद में रोशनी का इंतज़ाम है, इसलिए मैं यहाँ पे आ कर के पढ़ रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने उस्ताद को कल सबक सुना सकूँ। बादशाह वक्त ने, महमूद गजनवी ने जब ये देखा तो महमूद गजनवी ने अपने वज़ीर से, अपने खादिम से शमादान लिया, चिराग लिया, शमादान लेकर के उस हाफिज़ कुरान को दिया, उस पढ़ने वाले तालिब इल्म को दिया और इरशाद फरमाया, बेटे जा और जा कर के मस्जिद में इसे रख और मस्जिद में रख कर के पढ़ना शुरू कर दे, लेकिन सुन, मुझ गुनहगार के हक़ में दुआ कर देना, मेरे हक़ में दुआ कर देना। अब जब ये कहा तो वज़ीर ने कहा कि हुजूर ये छोटा सा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, इसके हाथ में ये शमादान दे रहे हैं, ये बहुत कीमती शमादान है, ये बहुत कीमती शमादान है। कहा क्या हुआ? अगर शमादान कीमती है तो क्या हुआ, इसकी अहमियत इसके सामने कुछ नहीं है। उसने कहा कि हुजूर ये सोने का शमादान है। महमूद गजनवी ने पलट करके जवाब दिया, सुनो सुनो, मेरी कौम को, मेरी कौम को, मेरी मिल्लत को सोने का शमादान नहीं चाहिए, आलिम कुरान चाहिए, हाफिज कुरान चाहिए, इसलिए ये हाफिज कुरान के हवाले कर। अब वो लेकर के गए, सबक याद किया और जब सबक याद हो गया तो कुरान को बंद किया, हाथ उठा के कहा, ए अल्लाह, महमूद गजनवी ने मेरी परेशानी को दूर कर दिया है, मेरी मुसीबत को आसान किया है, मेरे मुश्किलों को हल किया है, मौला तू भी महमूद गजनवी की परेशानी को दूर कर दे, उनकी मुसीबत को आसान कर दे, उनकी मुरादों को पूरी कर दे। अभी महमूद गजनवी बिस्तर पे गया है, बावजू होकर के सोया है, जैसे ही उसकी आँख लगी है इधर इस तालिब इल्म ने अपना हाथ उठा करके महमूद गजनवी के हक़ में दुआ की है, तो महमूद गजनवी के हक में दुआ की है इस बच्चे ने, और उधर महमूद गजनवी बिस्तर पे सोए हैं, उसकी मुराद पूरी हो गई। कह दो सुभान अल्लाह, उसकी तमन्ना पूरी हो गई, उसकी मुराद पूरी हो गई। उसने उसको तीन चीज़ जो थी, उसको टेंशन दिए हुआ था और वो परेशान रहते थे तीन बात से। एक बात तो ये कि बहुत दिनों से सरकार की ज़ियारत नसीब, सरकार की ज़ियारत के लिए तड़प रहे थे। दूसरी बात ये थी कि एक तो सरकार की ज़ियारत नहीं, दूसरा ये कि मेरा बाप सिपाही है, मैं बादशाह हूँ, पता नहीं मैं अपने बाप की औलाद हूँ या नहीं, और तीसरा